अब रेणुका शुगर जिस तरीके से हमें एथेनॉल पर ज्यादा से ज्यादा वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है, पर जिस तरीके से हालात इसके गिरा उपलब्ध कराएंगे, तो यहाँ पर HPCL जिसने अभी बीते दिनों अपना एक बहुत ही बढ़िया अपना एक रिजल्ट प्रस्तुत किया है, तो बड़े बड़े लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि जितना प्रॉफिट आ गया ना एक दिन में शुरुआत में बंद कर दो, और बिरला कैपिटल हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, और आपका जेसी फ्लावर आदि हो गए, वो अपनी हिस्सेदारी को प्रतिस्पर्धा की नजरों से देखकर चलना पड़ेगा। मैंने आपको हर बार कहा है शेयर आज 43 में मिल रहा है तो कल 53 में भी मिल सकता है, 33 में भी मिल सकता है, लेकिन काम तो नहीं खत्म होगा ना। काम के लिए किसी इंस्टीट्यूट पर जाते हैं वो आपको 15 दिन के अंदर लिखता है कि कार चलानी सीखें तो इसका मतलब कार चलानी 15 दिन में आएगी। हमें प्रॉफिट भी आ जाता है या नहीं भी आ पाता, किसी किसी को लॉस हो जाता है, अंत में वो यही कहते हैं भाई अपने पे काबू भी हमें करना पड़ेगा। यानी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर डिश टीवी की, बात करेंगे HPCL की, और बात करेंगे सर रेणुका शुगर और ट्राइडेंट की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से आप बड़े बड़े लोगों के फार्मूले समझते हैं और उससे हमें प्रॉफिट भी आ जाता है या नहीं भी आ पाता, किसी किसी को लॉस हो जाता है, अंत में वो यही कहते हैं भाई अपने पे काबू भी हमें करना पड़ेगा, यानी कि अपनी साइकोलॉजी के अनुसार भी काम करना पड़ेगा। ये उसी तरीके से है कि जब आप कार सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट पर जाते हैं वो आपको 15 दिन के अंदर लिखता है कि कार चलानी सीखें तो इसका मतलब कार चलानी 15 दिन में आएगी, पर 15 दिन के बाद आप उस कार को पहाड़ पर नहीं ले जा सकते, आपको फिर सीखना पड़ेगा, अच्छी तरह सीखना पड़ेगा, क्योंकि सिखाने वाला पहले ही कह रहा है भाई कि जहां हमें प्रॉफिट आ रहा है उस दिन उस प्रॉफिट को लो, बैठो और घूमने जाओ। देखा भी होगा आपने फ्यूचर ऑप्शन में किसी को प्रॉफिट आ गया और बड़े बड़े लोग कहते हैं क्या कहते हैं कि जितना प्रॉफिट आ गया ना एक दिन में शुरुआत में बंद कर दो और निकल जाओ। ये क्या है, यानी कि उन्हें भी पता है कि अगर हमने फिर से री एंट्री करी तो वो पैसा जो प्रॉफिट का है ना वो भी जाएगा और लॉस भी जाएगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी संतुष्ट नहीं है और जो संतुष्ट है वो ही पैसा कमा रहा है। इससे क्या मिला हमें कि जब हम बड़े बड़े लोगों की इस तरीके की बातें सुनते हैं कि शुरुआती तौर में जो भी प्रॉफिट आया उसे लो, दोबारे एंट्री ना करो, तो उनको पता है कि ये मार्केट है जो अपना पहला प्रॉफिट देती है बाद में उसको भी लेती है। यानी कि हमें ये सीखना पड़ेगा कि अपने को हमें 15 दिन में कार चलानी आ तो गई, लेकिन एक साल तक ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कार चलाने का मतलब ये नहीं कि फिर आप पहाड़ों से कुदा कुदा के चला रहे हो, गिर जाओगे ना। तो होता क्या है सर, हर एक चीज़ में संयम चाहिए, और जहाँ संयम नहीं होगा वहाँ पर ना तो हमारी रिश्तेदारी बनेगी, ना किसी से अच्छे व्यवहार बनेंगे, ना बिजनेस में कुछ अच्छा होगा, ना शेयर मार्केट में कुछ अच्छा होगा। तो बड़े बड़े जो लोग कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, इसलिए सबसे पहले अपने पे संतुष्टि साइकोलॉजी पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हमें करना पड़ेगा। बात कर रहे हैं ट्राइडेंट की, और ट्राइडेंट ने जहां पहले 18 मई को अपना रिजल्ट देने की एक बात कही थी और उसी दिन उसने डिविडेंड बाद देने की बात की एक कही थी, लेकिन अब वो जो डेट है ना 24 मई कर दी गई है, यानी कि ट्राइडेंट का रिजल्ट अब 24 मई को आ रहा है। 18 मई को जब इसका रिजल्ट आने वाला था तो 16 मई को ही शेयर ने तेजी दिखाई थी, और मैंने कहा था कि ये वो तेजी है कि इसके रिजल्ट के अनुसार ये तेजी हो रही है, तो वहां पर मैंने आपको एक चीज चेताया था। अब क्या होगा, अब 24 मई को इसका रिजल्ट है और उससे पहले फिर ये तेजी में आएगा, देख लेना। एक बार ट्राइडेंट आपको 24 तारीख से पहले तेजी करके दिखाएगा।
ये एक साइकोलॉजी है, इसको भी हमें देखना ये होती है या नहीं होती है। एक बार मुझे लग रहा है कि ट्राइडेंट में फिर से तेजी के आसार निकल कर आएंगे, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। डिविडेंड भी ये घोषित कर सकता है, और इस डिविडेंड को अगर आपको रिकॉर्ड डेट जाननी है तो वो है 1 जून 2023, ये कंपनी की तरफ से बता दिया गया है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि सूरत में 5000 जो छोटे व्यापारी हैं, कपड़ा उद्यम वाले व्यापारी हैं, वो अपना जहाँ से व्यापार शुरू करते हैं किराए पर लेकर उस किराए के समझौते के नवीनीकरण करने के लिए भी उन्हें सोचना पड़ रहा है। इतने हालात डाउन चल रहे हैं और कम से कम 30-40% की जो डिमांड है ना, वो भी कम होती जा रही है, प्रोडक्शन कम होती जा रही है। अमेरिका जहाँ साल भर में कुछ अपना माल मंगाता था कपड़े में, उसे भी उसने आधा कर दिया है। यूक्रेन रूस की जो लड़ाई हो रही है उसका असर भी टेक्सटाइल में पड़ा है, और मंदी का जो दौर चल रहा है उसका असर भी टेक्सटाइल पर पड़ा है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब अभी आपको अच्छे रणनीति वाली चीज़ें बिल्कुल भी टेक्सटाइल के ऊपर नहीं देखनी चाहिए, और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे, ये हमारे कपड़ा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने बता दिया था कि वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल पार्क लगा के ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने का मिशन जो है वो 2030 में है। तो लंबी दूरी के लिए आपको देखकर चलना पड़ेगा। अभी समस्या सूरत से निकल कर आ रही है, जहाँ पर वर्किंग डे भी जो है घंटे भी घटाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिमांड कम होती जा रही है। तो अभी जो तेज़ी एक रिजल्ट की फिर बीच में आ सकती है, उसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, और लंबे समय के लिए इस शेयर को हमें अपनी झोली की तरफ रखना पड़ेगा। जहाँ एथेनॉल ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल पर मिलाया जाएगा, तो एक हिमाचल प्रदेश से ऊना की तरफ से एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू ने कहा है कि HPCL 500 करोड़ रुपए का एथेनॉल प्लांट बनाने का एक समझौता हिमाचल प्रदेश में कर रहा है। वहाँ की सरकार इसमें 50% की इक्विटी पर निवेश करेगी, और ये परियोजना जल्दी से जल्दी शुरू होगी, इसके लिए ज़मीन देखी जा रही है। 30 एकड़ में ये प्लांट खुलेगा और रोज़गार की क्षमता, और आपको जिस तरीके से गन्ने से एथेनॉल बनता है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फिर चीनी कंपनियों में इसका असर देखने को मिलेगा। सरकार कह रही है कि 20 एकड़ भूमि वो अलग से उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पर HPCL जिसने अभी बीते दिनों अपना एक बहुत ही बढ़िया अपना एक रिजल्ट प्रस्तुत किया है, तो वो कंपनी एक प्लांट ऊना में खोल रही है, तो यहाँ पर एथेनॉल की चीज़ें निकल कर आ रही है। अब रेणुका सुगर जिस तरीके से हमें एथेनॉल पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है, पर जिस तरीके से हालात इसके गिरावट में हैं, तो कुछ लोगों के दिल टूटे होंगे। याद रखना सर, बिजली के साथ साथ, अल्कोहल के साथ साथ, चीनी के साथ साथ, और एथेनॉल में फ्यूचर में अपनी उपलब्धि को ज़्यादा बढ़ाने के साथ साथ ये कंपनी बेस्ट वर्क कर रही है। जब ये कंपनी अपने लिए बिजली उत्पन्न करती है, तो उसका 49% ये अपने प्लांट में उस बिजली को उपयोग करती है, यानी कि बिजली का खर्चा भी ये अपने प्लांट के लिए कर लेती है अपने द्वारा। फिर बाकी का जो बचता है ना, तो राज्य की ग्रिड कंपनियों को वो बिजली बेच देती है, यानी कि इसकी अभिलाषा कितनी अच्छी है। पीने योग्य जिस तरीके से ये अल्कोहल का निर्माण करती है, फिर एथेनॉल में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करती है, तो ये बेस्ट शेयर मुझे लगता जा रहा है। जिस तरीके से 730 किलोलीटर प्रतिदिन ये एथेनॉल का उत्पादन करती है, तो इसे ये फ्यूचर में क्या करेगी, 1400 प्रतिदिन कर देगी, ये इनके प्लान है। कंपनी कह रही है कि वो इस योजना के तहत वो हरित ऊर्जा कंपनी बनने की संभावना देख रही है, और हमारा देश क्या कह रहा है कि 2030 में हमारी ग्रीन एनर्जी की तरफ हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहाँ पर फ्यूचर के तौर पर रेणुका सुगर जो कह रहा है कि अपनी हरित ऊर्जा कंपनी बनने के लिए वो हर संभव प्रयास करेगी। जिस तरीके से ये बिजली उत्पादन करती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये नवीनीकरण ऊर्जा ही के जरिए ही इस बिजली को उत्पादन करती है। तो ये तो हमें समझकर चलना पड़ेगा कि जिस कंपनी को एथेनॉल में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने की क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ें कंपनी की तरफ से निकल कर आ रही है,
और फिर सरकार जो पेट्रोल में 20% एथेनॉल बनाने की संभावना नज़र आ रही है तो वहाँ पर ये शेयर रखने वाला हो जाता है। अब गिरने वाली चीज़ें तो सर गिरी जाती हैं, कल IOC का इतना अच्छा जो रिजल्ट निकल कर आया तो आज उसने क्या कर दिया, गिरावट कर दी है। वोडाफोन आइडिया में जहाँ एक निगेटिव न्यूज आई तो वहाँ पर क्या हुआ, संभलता हुआ दिखाई दिया है, तो कहना मुश्किल है। पर आने वाली दिशा यहाँ से तय हो जाती है कि कंपनी की बुनियादी तौर पर चीज़ें क्या कर रही हैं, उसे हमें देखकर चलना पड़ेगा। मैंने आपको हर बार कहा शेयर आज 43 में मिल रहा है तो कल 53 में भी मिल सकता है, 33 में भी मिल सकता है, लेकिन काम तो नहीं खत्म होगा ना। काम की अभिलाषा देखो सर, हरित ऊर्जा कंपनी बनने की दिशा में रेणुका शुगर, और बहुत ही बेस्ट काम ये करती है पैकेजिंग में, जो इनका एक ब्रांड आता है मधुर ब्रांड, ये पैकिंग के द्वारा अपने ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क अपने पैकेजिंग, जिस तरीके से मधुर ब्रांड है उसमें अच्छी गुणवत्ता के तौर पर बेस्ट कंपनी बनते हुए नज़र जो है रेणुका शुगर आ रहा है। हम हर एक चीज़ को समझने की कोशिश अगर मेरी वीडियो के द्वारा करोगे तो गिरावट से भी आपको कुछ नहीं होगा और बढ़ावट से भी आपको कुछ नहीं होगा। फिर लक्ष्य आपको अपने तय करने पड़ेंगे कि अगर आज हमने रेणुका शुगर को लिया तो फिर हमें पता लगना चाहिए कि ये अल्कोहल के साथ साथ, बिजली के साथ साथ, चीनी के साथ और एथेनॉल में 1400 किलो लीटर प्रतिदिन की क्षमता के साथ साथ अपनी अभिलाषा को ज़्यादा से ज़्यादा बना रहा है। जो कंपनी बिजली उत्पन्न करके अपने 49% प्लांट में अपनी बिजली को देता हो, फिर बजी बिजली ही वो राज्य ग्रिड को ही दे देता हो, तो ये एक ऐसा मामूली शेयर नहीं है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो लंबी समय की दूरी जो है रेणुका शुगर से हमें बना लेनी चाहिए। अब बात करते हैं सर डिश टीवी की, और डिश टीवी का मसला ये लंबा है, जिस तरीके से यस बैंक इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी होल्डिंग लेकर बैठा था और अपने पैसा जो डिश टीवी से उसको लेना था उसको उसने जेसी फ्लावर को बैड लोन के तहत ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र की हुई है। यहाँ मसला ये निकल कर आ रहा है कि डिश टीवी का जो वर्क है सही तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि एयरटेल हो गया, आपका जियो हो गया, आपका टाटा स्काई हो गया, ये फाइबर के क्षेत्र में भी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इनके इंटरनेट से ही आप इनकी टीवी चैनल भी देख सकते हो, तो इस तरीके की सुविधा डिश टीवी तो देता नहीं, यानी कि डिश टीवी अभी पीछे है। बाकी खिलाड़ी में एयरटेल, जियो, टाटा स्काई ने जिस तरीके से कैप्चर किया हुआ है तो वहाँ से तो ये बिछड़ा हुआ हमें डिश टीवी लग रहा है, और अधिकतर इसलिए भी लग रहा है कि जिस तरीके से इसके ऋणदाता इस पर प्रेशर डालते जा रहे हैं, वो भी एक चीज़ है कि उनको अपना पैसा चाहिए। अगर उनको अपना पैसा नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, वो अपनी हिस्सेदारी को निकालने की भी सोचेंगे और सोच भी रहे हैं, जिसके अंदर आपको आदित्य बिरला कैपिटल हो गया, इंडसन बैंक हो गया और आपका जेसी फ्लावर आदि हो गए, वो अपनी हिस्सेदारी को प्रतिस्पर्धा की नजरों से देख रहे हैं। प्रतिस्पर्धा का मतलब इस तरीके का दूसरी कंपनी जो काम करती है, ध्यान रखना कि डिश टीवी जैसा काम कौन कौन सी कंपनी करती है जो फेमस है, कौन है, जियो है, एयरटेल है, टाटा स्काई है, और उन्होंने क्या कहा है, वो अपनी होल्डिंग को प्रतिस्पर्धा वाली कंपनी को सेल कर सकते हैं। यानी कि अगर उन्होंने अपनी होल्डिंग को सेल किया तो फिर क्या होगा, डिश टीवी में बहुत ज़्यादा गिरावट होने वाली है। तरीके से ऋणदाता जिस तरीके से मौजूदा दो निदेशकों को हटाने की मांग कर रहे हैं, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तीन नामित जो निदेशक छाटे गए हैं उसके लिए सर डिश टीवी 9 जून को शेयर धारकों की एक EGM बैठक बुलाने वाला है। यहाँ पर आपको 9 जून तारीख याद रखनी है, वहाँ पर निवेशकों की नियुक्ति होने की मीटिंग बुलाई जा रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी ने 1800 करोड़ रुपए का लॉस किया और वही कंपनी अब निदेशक की लड़ाई में अपनी जो चीज़ें शेयरधारक के द्वारा करेगी, नामित जो जिन्होंने सेलेक्ट किए हैं उसकी मीटिंग अब 9 जून को होने वाले है। ये चीज़ें मीटिंग वाली इसे आप भूल जाओ, याद रखो कि इसके अंदर जो ऋणदाता है वो प्रतिस्पर्धा कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैठ जाता है। प्रमोटर 4.04% बचे हैं इसके अंदर, और एक मुख्य तौर पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मार्च 2022 में इसके अंदर DIs करीब 26.57% थे और इस मार्च 2023 में इसके DIs 2.33% हो गए। कहाँ 26 से 2 पर आ गई है DIs,
जो DIs यहीं के होते हैं वही लग रहा है कि इस कंपनी में कुछ नहीं है, तभी तो 26 से 2 करीब पर लाकर रख दिए अपनी होल्डिंग को। ये क्या चीज दिखा रही है, निगेटिव है सर। इस कंपनी का भला तो तब हो सकता है या तो इसके अंदर सारी चीजें ऋण के द्वारा ये उतारता जाए, या फिर जिस तरीके से जो इसके ऋणदाता है वो अपने हिस्से को दूसरी कंपनी को बेचे, या फिर कंपनी किसी और कंपनी को बेच दे, भाई चलो भाई हमारे सी ने हो रहा ले लेते ना अलग कंपनियां, तो वो भी चीज़ें इसके अंदर निकल कर आगे आ सकती है। क्योंकि जब कर्ज में कोई कंपनी डूब जाती है या तो फिर वो दिवालिया प्रक्रिया से गुजर के ही फिर इस तरह की चीज़ें हो जाती है, लेकिन यहाँ के ऋणदाताओं ने चेता दिया है, तो इस कंपनी पे आपको 9 जून तक के तो अपनी विशेषताएं को देखना चाहिए। और जहाँ प्रॉफिट इस कंपनी से आपको आता हो, देखो सर रिस्क है इस कंपनी में आपको बता दो, क्योंकि रिस्क अगर इस कंपनी में ना होता तो ऋणदाता अपनी होल्डिंग को बेचने की बात ना करते। अगर रिस्क इसके अंदर इतना ना होता तो इसके अंदर जो प्रमोटर है 4% पर ना आते। अगर रिस्क इसके अंदर ना होता तो DI 26 से 2 पर करीब इसके ना आते। तो सारी मंशा को आपको अपने दोबारा जरूर से जरूर बनाइए, क्योंकि डिश टीवी का मसला मुझे नहीं लगता कि जल्दी से सुलझने वाला है। और ये शेयर जो आपको कभी 18 रुपये 19 रुपये फिर दोबारे नीचे फिर ऊपर जाके दिखा देता है, वहाँ तो फिर प्रॉफिट वाली मंशा आपको बनानी पड़ेगी। इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी कंपनियों में ज़्यादा सपने देखने की ज़रूरत नहीं है कि जो ऋणदाताओं की चीज़ों से ही चीज़ें उलझ ही रही हो। मैं आपको बता दूँ HPCL ने एथनॉल का प्लांट बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के ऊना में 500 करोड़ रुपए निवेश करने का जो एक मन बनाया एथनॉल के क्षेत्र में, ये एक ऐसी दिशा दिखा रहा है जो हमें एथनॉल वाली कंपनियों पर अपनी दिशा डाल रहा है। क्योंकि एथनॉल ही 20% जो है पेट्रोल पर मिलेगा, और सबसे ज़्यादा एथनॉल पर टॉप करने के लिए तैयारी कौन कर रहा है, रेणुका सुगर कर। और रेणुका सुगर के अदर काम भी है, उसको समझकर ही आपको अपने द्वारा रेणुका पर अपनी नज़र रखनी चाहिए। और शेयर के प्राइस गिरने और ऊपर बढ़ने से क्या, शेयर की वीडियो आप देखोगे, टारगेट पर मत उजलो, काम को आपको समझकर चलना पड़ेगा। ट्राइडेंट का रिजल्ट 24 मई को आ सकता है, उससे पहले ये एक तेज़ी दिखाने के लिए भी तैयार हो सकता है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और बड़े बड़े लोग जिस तरीके से कहते हैं कि भाई अगर पहला प्रॉफिट आ जाए तो बैठ जाओ, वो ऐसे नहीं कहते, क्योंकि सबको पता है बड़े बड़े लोगों को, अगर पैसा आया तो बैठो, अगर नहीं बैठोगे तो कहीं ना कहीं वो पैसा जाएगा ही जाएगा। तो चिट्टू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।